हाय गाइस, दिस इज सुदीप वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नो क्लास। आज हम लोग बात करेंगे जो सबसे गलती होती है, थिंग्स यू शुड नॉट डू। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो वीडियो पूरा देखे गाइस, पूरा देखे, बहुत जरूरी है। 5 टिप्स से बताने वाला हूं मैं और 5 टिप्स बहुत जरूरी है। पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबसे गलती होती है। तो आपको मेन तो आपके चैनल आर्ट पे ध्यान देना है। चैनल आर्ट इन द सेंस चैनल लेआउट जो होता है, आप देख सकते हो पूरा, आप जैसे देख पा रहे हो मेरा, मैंने भी बनाया है वो जो लेआउट है, तो इसके ऊपर मेन ध्यान देना। इसको है ना इतना अट्रैक्टिव बनाना ना ताकि कोई भी आए आपके चैनल पे, आपके चैनल पे सब्सक्राइब करके ही जाए और आपके कॉन्टेंट उसको अच्छा लगे और वीडियो का लेआउट जो है वो अच्छे लगे। तो वो सब पहले क्रिएट करना चाहिए और ऊपर से उसका जो पूरा लेआउट है प्रॉपर, जैसे कोई भी आया, जैसे इंट्रो होना चाहिए, एक चैनल का इंट्रो होना चाहिए जो आपके चैनल को, जैसे मतलब जैसे कोई आएगा नया बंदा देखने के लिए तो उसको दिखना चाहिए कि हाँ भाई इसके चैनल पे ये चीजें होती है, तो ये जरूरी है। तो ये लेआउट के ऊपर आप ध्यान दे, जो कोई करता नहीं है ज्यादातर, मतलब जो स्मॉल यूट्यूबर्स नहीं करते, बड़े बड़े लोग तो करते ही है बिकॉज उनके पास बंदे होते हैं ये सब सेटअप करने के लिए। हम लोग के पास सेटअप करने के लिए है नहीं, तो हम लोग को ही करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको जरूरत है ये सब चीजें करने के लिए। तो टॉपिक नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। द थिंग इज लाइक, हम लोग जब भी एक वीडियो बनाते हैं, कभी भी, अब हम न्यू हो, टोटल न्यू हो, अभी ऐसे ये समझ रहे हैं कि अब टोटल न्यू हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के फ्रेंड्स को भेजते हैं। सबसे बड़ा गलती क्रॉस, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आप उसको भेजोगे आपको लगेगा कि वो देख रहा होगा, वो व्यू दे रहा है आपको, ऐसा नहीं होता। वो कभी नहीं देखेगा, आपके फ्रेंड्स आपके वीडियोस कभी नहीं देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक चीज करेंगे, हाँ भाई ये बोल रहा है चलो क्लिक कर दिया और निकाल दिया उसको साइड में, ऐसा नहीं चलेगा। अगर अभी तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो हमेशा जैसे ऊपर लिंक है, प्लीज जाके देखे, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया यूट्यूब के ऊपर, तो प्लीज जाके चेक करें। अगर आपको लगता है तो आप खुद देखिए वीडियो, खुद देखिए, आपके घर में जितने लोग हैं उनके मोबाइल से देखिए। आपका एक कॉमेडी चैनल है, अगर वो दोस्त को कॉमेडी पसंद है तो वो देखेगा, थोड़ा सा देखेगा उसके बाद निकाल देगा साइड में। और आपका फ्रेंड अगर उसको टेक्नोलॉजी पसंद है तो वो कभी नहीं देखेगा, वो निकाल देगा चलो जाओ। दूसरा, तो ये गलती मत करो। और जैसे मैंने बहुत सारे जन को देखा है, अपने फ्रेंड्स को पहले बताते, अरे हम लोग ने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया मैंने, तो प्लीज मेरे चैनल को देखना। कभी मत भेजो, ये गलती है हमारी, फ्रेंड्स को कभी मत भेजो, क्योंकि हर एक फ्रेंड्स की अलग 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 चॉइसेस होती है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बाय प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, वो बोलेगा आपके सामने यस मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन कभी नहीं होता ऐसा। वैसे देखा जाए तो आपके फ्रेंड्स अगर उसी फील्ड के है तो श्योर देखेंगे, फिर वो आपको प्रॉपर व्यूज मिलेगा। हाउ टू गेट व्यूज, ये वाला वीडियो जल्दी आएगा, प्लीज स्टे सब्सक्राइब उसके लिए। अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि हम लोग वहां पर कनेक्टेड हो सकते हैं हमेशा। टॉपिक नंबर 3 की मैंने बात करेंगे। टॉपिक नंबर 3 बहुत ज्यादा वायरल है, आप लोगों के साथ भी हुआ रहेगा, सर्व फॉर सर्व। यस, वो चीज मत कीजिए गाइस। बस क्या होता है, अगर मैं अभी सब फॉर सब करूं, लाइक मैं कुछ लोगों को जमा कर लूं एक जगह पर, हाँ भाई चलो 20 लोग हैं, तो वो 20 लोग मेरे सब्सक्राइबर हो गए, वाह मेरे को लग रहा है यस 20 सब्सक्राइबर है मेरे पास, वो लोग को भी लगेगा कि 20 सब्सक्राइबर है। जब वो बंदा, आप खुद सोच के देखो, आप एक अगर गेमिंग गाय हो एंड दैट गाय वो डाल रहा है आपके लिए कॉमेडी वीडियोस, तो वैसे भी क्या करोगे, सिर्फ उसका नंबर दे रहे हो आप लोग, वो आपको नंबर दे रहा है, दैट्स इट। ये सब फॉर सब ये गलत है, नंबर बढ़ा के कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग को देखना है कि व्यूज कहाँ से आए, ये मेन है, व्यूज आए और लोग आपके चैनल पे ज्यादा देर तक वीडियोस देखे, आपके ऑडियंस आपको पसंद करे, वो मेन है। थोड़ा भी सेंसिबल बात करो तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, मुझे भी बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ग्रो करना है अच्छे से एकदम प्रॉपरली जाए तो मत करो। टॉपिक नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। हम लोग का मेन चीज क्या होता है, कंसिस्टेंसी। तो ये आपको मेन देखना है। जैसे अभी क्या होता है, किसी के पास कंटेंट बहुत सारा होता है, बहुत सारा, जैसे अभी समझो मेरे पास 10 वीडियोस है, तो मैं धड़ाधड़ 10 वीडियोस डाल दिया, उसके बाद चुप, मेरे पास है ही नहीं। अगर आप लोगों को लगता है हाँ हम लोगों के पास कंटेंट कम है, 2-3 दिन छोड़ के डालिए, लेकिन वीक में एक दिन डालिए, लेकिन आपको वीक में उस दिन डालना ही है। आज डाल दिए, फिर 1 महीने बाद एक डाल दिया, फिर 2-3 महीने बाद आए हाँ भाई डाल दिया एक, ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं होता, उससे आपके चैनल को इफेक्ट होता है। यूट्यूब को लगता है ये ऐसे ही वीडियोस डाल रहा है तो उसको कुछ करना नहीं है, उसको ऐसे ही वीडियोस डालना है, बस ऐसे ही टाइम पास करना है, अपने दोस्तों को दिखाना है ऐसा वैसा, तो ये मत कीजिए। कंसिस्टेंसी इज द किंग, हमेशा कंसिस्टेंसी पे ध्यान दे। अगर आपने आज वीडियो डाला, वीकली ट्वाइस डालिए, वीकली थ्राइस डालिए, वीकली वंस डालिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे वीडियोस डालने ही पड़ेंगे। आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दो और वीकली
दो तीन ऐसे वीडियोस लेके आओ, दो वीडियोस लेके आओ, सबको बताओ कि हाँ मैं इस दिन अपलोड करने वाला हूँ ये टाइम पे। जैसा मेरा वीडियो आता है 10:30 इन द मॉर्निंग, लेकिन मैं उसको शिफ्ट करूंगा इवनिंग टाइम आई गेस 5 बजे के आसपास। तो ये मैंने जैसे आपको बताया अभी, इसके ऊपर ध्यान दे और सबको बताया अच्छे से कि हाँ मेरा ये टाइम आने वाला है वीडियोस। फिफ्थ टॉपिक, अभी हम लोग बात करेंगे फिफ्थ टॉपिक के ऊपर। बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं इस बारे में, लाइक सी यूट्यूब पे जब व्यूज नहीं आता तब हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग हो जाते हैं परेशान। हम लोग है ना इधर उधर सर्च करने लगते हैं कि कौन दे रहा है। तो हम लोग उल्टे सीधे कुछ भी टाइप करना, हम लोग कुछ भी सोचने लगते हैं कि हाँ हाउ टू गेट सब्सक्राइबर, हाउ टू गेट व्यूज। और अपने यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएगा जो लोग आपको साइट पे लेके जाएंगे, फिर वहां पर जाके आपको सर्वे करवाएंगे। तो वो सब मत करो जो आपके चैनल को पूरा ब्लॉक कर देगा। ऐसे बहुत जन का हुआ है। अच्छा हुआ ये मैंने बोला, मुझे 2-3 दिन पहले भी एक जन का मैसेज आया था इंस्टा पे, उसका चैनल ब्लॉक हो गया। ब्लॉक इन द सेंस पूरा उड़ाई दिया वो लोग ने। तो वो मुझे पूछ रहे थे, बिल्कुल भी नाम याद नहीं आ रहा, वो बेचारा बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से उसने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन ऐसा मत कीजिए। वो सब साइट्स पे जाना मतलब बहुत हानिकारक है। हम लोग परेशानी से यही सब करते हैं, आई नो, क्योंकि हम लोग इधर जाते हैं वो लिख देते हैं, हाँ चलो उसके पास जाते हैं, अरे इसने बोला ये साइट पे जाने के लिए तो मेरे को 1000 सब्सक्राइबर मिलेगा, फिर 10 लाख व्यूज मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा। ऐसा मत करो गाइज, प्लीज ध्यान दो अपने चैनल के ऊपर, एकदम अच्छे से कॉन्टेंट डालो, अच्छा बनाओ उसको दिखने में, ऐसा एकदम बहुत अच्छा बनाओ, ट्राई करो उसको और अच्छा करने के लिए। कॉन्टेंट के ऊपर ध्यान दो, आपकी जो क्लैरिटी है उसके ऊपर ध्यान दो, वॉइस क्वालिटी ऊपर ध्यान दो, बहुत अच्छा रहेगा, लाइटिंग के ऊपर ध्यान दो, ये सब चीजें करो। वो सब चीजें मत करो क्योंकि एज एन हाउ अगर आपके चैनल पे वीडियोस ही नहीं होंगे तो आप उन नंबर्स का क्या करोगे जो सब्सक्राइब करके जा रहे हैं आपके चैनल पे, राइट? अगर समझो 1000 सब्सक्राइबर हो गया तो उसका करोगे क्या? मतलब ना ही वीडियोस है ना ही कुछ है। तो इसके लिए वीडियोस अच्छे से पहले बनाया जाए। तो बस इतना ही मैं ज्ञान दे पाया आपको। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया रहेगा तो प्लीज गाइज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ भी भेज सकते हो ताकि मैं उसका आंसर दे पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हो, तो काफ़ी मैसेजेस आते हैं, पूछते भी हैं लोग, मैं उनका हर एक को रिप्लाई करता हूँ। अगर नहीं करता हूँ तो कमेंट बिलो जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, सबका मैं जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सबको आंसर करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे बार बार। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे गाइस, आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।